काल की गणना जो चल रही है, अब उसके अंदर पहला हमारा जो मुख्य हेतु था, काल का कारण कौन है, वो समझने के पश्चात अब चल रहा है मापन गणन व्यवस्था। मापन और गणन दोनों शब्द के अर्थ ये हैं, मापते जाइए और गिनती करते जाइए। अब ये मनुष्यों के गणित पर आधार है। जैसे जैसे आप मापते जाएंगे और जैसे जैसे उसकी गणना करते हुए गिनते जाओगे, वैसे वैसे गुणाकार करते करते बढ़ते बढ़ते बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या आप चलते जाएंगे। एक दिन आ गया, फिर सात दिन आ गए तो पक्ष संज्ञा दे दी, वीकली मतलब सप्ताह की संख्या दी, 15 दिन आ गए पक्ष की संख्या दे दी, 2 पक्ष हो गए तो महीने की संख्या दे दी, 2 ऋतुओं की संख्या दी, संज्ञा, एक एक अलग अलग संज्ञाएं हैं, ये व्यवस्था है। आखिर इंसान का ज्ञान भी तो है ना। अब ये संज्ञा दे करके 6 ऋतुओं का 1 बरस कर दिया, या बड़ी ऋतुओं के अंदर आप ये देखिए तो 3 ऋतु 4-4 महीने की करके 12 महीने कर दिए। अब 5 बरस इकट्ठे करो तो युग हो गया है। संख्या को बढ़ाते जाते हैं और संख्या का गुणाकार करते जाते हैं और उस तरह से आगे आगे संख्या बढ़ती जाएगी। अब इंसान का व्यवहार कितने काल तक हो सकता है, आप अपना व्यवहार कहाँ तक कर सकते हो, कितने वर्षों तक की, हमारी गिनती, हमारी गणना एक तो सर्वसामान्य तो मनुष्य के आयुष्य काल तक रहती, लेकिन जो इतिहास वेत्ता बनते हैं या भूतकालों की गणना करते हैं तो फिर वो गणना करते 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 बहुत लंबे काल तक का गणित कर सकते हैं। अब तो कोई सवाल नहीं है ना, अब तो रोज तो कोई मापन करना नहीं है सर, अब तो सिर्फ आपको गणना ही तो करनी है। अब आप गिनती करते करते जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, अब परिणाम क्या आएगा सर? अब ये आप चलिए, ये क्या हो गया, 1 लाख हो गया। अब 1 लाख को हम यहाँ तक अगर आगे बढ़ते हैं तो इसी संख्या को आपने जो है अब अगर आप 84 लाख वर्ष इतनी बड़ी संख्या अगर आप देते हैं तो ये जब काल सामने आएगा समझेंगे तो इसको आप संज्ञा दीजिए 84 लाख वर्ष बराबर 1 पूर्वांग हो जाएगा। ये शब्द क्या है, पूर्व का अंग बनाना है, एक पार्ट छोटा है। हमारा शरीर जो है बहुत बड़ा है लेकिन हमारी एक अंगुली जो है वो शरीर का अंग है। आप इसको 2 तरीके से विभाजन करिए सर। अब ये जो है पूर्व शब्द और इसके साथ जुड़ा है ये अंग शब्द, पूर्वांग, एक पूर्व का एक पार्ट जो है, हमारे इतने बड़े शरीर का एक अंग अंगुली है, वैसे यहाँ पर ये पूर्वांग हो गया सब। अब इस तरह से फिर गुणाकार करिए, फिर 84 लाख पूर्वांग। अब ये गिनती जब आप करेंगे हाँ जी, संज्ञा देखिए कैसे संज्ञाओं का गणित जो है किया जाता है, गुणाकार कैसे होता है। तो पहले हमने सामान्य रूप से देखा 1 लाख 10 लाख 20 लाख 50 लाख, ऐसे 84 लाख वर्ष जब आए तब एक पूर्वांग बना, पूर्व का अंग छोटा सा। लेकिन अब उसी को वापस गुणाकार करिए, 84 लाख पूर्वांग जब बन जाएंगे तब एक पूर्व बनेगा। आ रहा है ख्याल में आपको, एक पूर्व हो गया, एक पूर्व। अब जो है प्रमाण चलता जा रहा है, परवान चलता जा रहा है, फिर वापिस या तो आप ये करिए समझें, अगर हम इसका गिनती करते हैं
तो एक पूर्वांग, एक पूर्वांग से गुणाकार करिए, ये भी एक पूर्व की संज्ञा होगी। अब आप गुणाकार करते जाइए, एक पूर्व, दो पूर्व, पांच पूर्व, दस पूर्व, बीस पूर्व, पच्चीस पूर्व, पचास पूर्व, सौ पूर्व, हजार पूर्व, दस हजार पूर्व, लाख पूर्व, फिर दो लाख पूर्व, पांच लाख पूर्व, दस लाख पूर्व, बीस लाख पूर्व, तीस लाख पूर्व, चालीस लाख पूर्व, पचास लाख पूर्व, साठ लाख पूर्व, सत्तर लाख पूर्व, अस्सी लाख पूर्व, चौरासी लाख पूर्व। अब बात यहां आ गई कि ऐसे जो है ये चौरासी लाख पूर्व हम गिनती करेंगे। अब ये आज सिमंदर स्वामी का आयुष्य है, महाविदेह में विचरण कर रहे बीसों तीर्थंकर भगवंतों का वर्तमान काल में जो आयुष्य चल रहा है वो चौरासी लाख पूर्व है। अब यहां से आपने ये संज्ञा ले ली, अब ये संज्ञा ले ली तो तीर्थंकरों के आयुष्य में सबसे उत्कृष्ट कक्षा का आयुष्य इतना ही होता है, बस अब चौरासी लाख पूर्व से ज्यादा बड़े आयुष्य वाले तीर्थंकर नहीं होते। बोलिए जैन साहब बोलेंगे। महाराज साहब, आपने कहा कि 24 लाख पूर्व तीर्थंकर की आयुष है, इससे ज्यादा आयुष तीर्थंकरों का नहीं होता है, अमिन केवलियों का जो है। कितना? 24 लाख पूर्व। क्या बोल रहे हैं आप? चौरासी लाख को। दो बार विचार में पड़ गया था। चौरासी लाख को, जहाँ कोई भी तीर्थंकर महाविदेह में हो या भरत ऐरावत में हो, भरत ऐरावत में जब प्रथम तीर्थंकर होंगे उनका भी 84 लाख पूर्व का होगा। आदिनाथ भगवान हुए थे, उनका 84 लाख पूर्व का हुआ था। पांचों भरत में, पांचों ऐरावत क्षेत्रों में जब जब पहले पहले भगवान होंगे तब 84 लाख पूर्व। अवसर्पिणी काल के प्रारंभ में जब पहले भगवान होंगे उत्कृष्ट आयुष्य इतना ही होगा, और महाविदेह में जब भी होते रहेंगे 84 लाख पूर्व का ही आयुष्य होगा। महाविदेह में तो ये परमानेंट व्यवस्था हो गई, क्योंकि वहां तो रेगुलर जो है 20 20 20 20 होते ही रहते। तो मतलब एक शाश्वत व्यवस्था क्या हो गई, तीर्थंकरों में महाविदेह के अंदर 84 लाख पूर्व से कम आयुष्य वाले कोई तीर्थंकर कभी होते ही नहीं है, भूतकाल में कभी हुए ही नहीं थे, वर्तमान काल में नहीं, भविष्य काल में भी कभी होंगे ही नहीं। वर्तमान है तो वर्तमान में महाविदेह में 20 तीर्थंकर हैं, पांचों महाविदेह में मिला करके कंपलसरी सबका 84 84 84 लाख पूर्व। हाँ ये ठीक है, हमने 20 का एक साथ नाम आदि नहीं देते हैं, तो पहले तीर्थंकर सिमंदर स्वामी का नाम जनरली लोगों के मुंह पर है तो बोल देंगे, लेकिन युगमंदर स्वामी, बाहु स्वामी, सुबाहु स्वामी आदि जो है 20 तीर्थंकर है। तो महाविदेह में क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों हमेशा ही 84 84 के होंगे, इसके उत्तर में क्या जवाब देंगे मेहता जी? शाश्वत व्यवस्था है ये तो। हाँ जी, वहां पर महाविदेह में ऐसी नियति क्या है, अवसर्पिणी उत्सर्पिणी की व्यवस्था वहां नहीं है। अवसर्पिणी उत्सर्पिणी की व्यवस्था जहां पर होगी वहां पर वृद्धि हानि बदघट होती रहेगी, कम ज्यादा चलता रहेगा। अभी मैंने बोला आपको पहले ही तीर्थंकर का 84 लाख पूर्व का आयुष्य होगा, उसके बाद में अन्य 23 तीर्थंकरों का किसी का नहीं होगा। पहले दो बात अलग अलग व्यवस्था समझ लीजिए, महाविदेह में 20-20 तीर्थंकर एट ए टाइम साइमल्टेनियसली एक साथ में,
पांचों परत पांचों ऐरावत के दशक क्षेत्रों में एक 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 तीर्थंकर के बाद एक एक बाद एक 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 के बाद एक एक के बाद एक एक के बाद एक, लेकिन दसों क्षेत्रों में एक साथ में, पहले एक साथ में दूसरे एक एक साथ में दस दस भगवान जरूर होते रहेंगे, लेकिन सबका आयुष्य एक सरीखा एक जितना सब प्रमाण ही रहेगा, लेकिन एक के बाद दूसरे होंगे, दूसरे के बाद तीसरे होंगे, तीसरे के बाद चौथे होंगे, अब उसके बाद घटता 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 जाएगा, उस सर्पिणी में उस सर्पी में बढ़ता जाएगा। लेकिन महाविदेह क्षेत्र में जब आराओं की व्यवस्था ही नहीं है, इसलिए वहां की नियति अलग हो गई, वो निश्चित नियति है, तो वहां अवसर्पिणी उत्सर्पिणी कभी नहीं होता है, कालचक्र वहां पर व्यवस्था ही नहीं है। तो वहां की नियति इस प्रकार है कि हमेशा ही जितने तीर्थंकर होंगे सब एक साथ होंगे और सबके सबका आयुष्य 84 लाख पूर्व ही होगा। हाँ, ये जरूर है 84 लाख पूर्व का आयुष्य जिनका बीतेगा उनके बाद फिर दूसरे 20 आएंगे, फिर दूसरे 20 आएंगे, फिर दूसरे 20 आएंगे, फिर तीसरे 20 आएंगे, फिर चौथे 20 आएंगे, फिर पांचवे 20 आएंगे। ये वहां की नियत नियति है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नियत नियति चौरडिया जी? दैट इज कॉल्ड द फिक्स डेस्टिनी। अब उसमें कुछ भी कम ज्यादा नहीं होगा सर। अब यहां पर बात किसकी आई है? 84 लाख पूर्व की। अब जिनको भी 84 लाख पूर्व का आयुष्य बांधना है और उनको तीर्थंकर बनना है तो आपको महाविदेह में जाना होगा, जल्दी वहां तीर्थंकर बन सकेंगे सर। हाँ जी, यहां भरत ऐरावत में अगर आपको होना है तो लास्ट में 72 बरस के भी आप हो सकते हो। अब कहां 84 लाख पूर्व और कहां सिर्फ 72 वर्ष, कितना अंतर है? आसमान जमीन का अंतर है। अब पूर्व का गणित तो मैंने ये बता दिया आपको, इस हिसाब से पूर्व की संज्ञा दी गई है। अब मैंने क्या कहा है? अब मापन और गुणन, अब गुणाकार करते जाओ, आगे आगे की बड़ी संख्या, आगे आगे की और बड़ी संख्या आती जाएगी। अब जिनको जो है बड़े से बड़ा आयुष्य बांधना हो तो उनके लिए फिर उतना प्रबल पुरुषार्थ होगा। 72 वर्ष के आयुष्य में आप अपना जल्दी बनना चाहते हैं तो भरत ऐरावतों में 10 जगह पर व्यवस्था है। 5 भरत क्षेत्र अलग हैं, 5 ऐरावत क्षेत्र अलग हैं, 10 क्षेत्रों में आपके लिए अलग अलग व्यवस्था है। लेकिन इन 10 के सामने महाविदेह सिर्फ 5 ही है और 5ों में एक सरी की व्यवस्था है, एक जैसी व्यवस्था है और एक साथ। ध्यान से सुनना, मैं पहले कह रहा हूं, यदि जिनको महाविदेह में तीर्थंकर बनना है उनको 20 जनों का ग्रुप बनाना पड़ेगा। अब वो भले कहीं कहीं से हो, कोई कहीं से हो, कोई कहीं से हो। हाँ जी सुनिए, भरत क्षेत्र में से भी तीर्थंकर नाम कर्म बांध के आप महाविदेह में भगवान बन सकते हैं। महाविदेह में तीर्थंकर नाम कर्म बांध के भरत ऐरावत में आकर के भी भगवान बन सकते हैं। कोई प्रतिबंध नहीं है किसी के लिए, कोई ना नहीं है। बस सवाल ये है कि महाविदेह में जिनको बनना है उनको एक साथ 20 जनों को इतना उत्कृष्ट कक्षा का आयुष्य बांधना पड़ेगा, तीर्थंकर नाम कर्म बांधना पड़ेगा, वो भी इतने लंबे काल का बांधना पड़ेगा, तभी जाकर महाविदेह में जा सकते हो, नहीं तो नहीं। आपको छोटा छोटा बांधना है 72 का, तो यहां पर चांस है आपको, इसमें आपको बहुत कम मेहनत है, बहुत कम पुरुषार्थ होगा। और वहां के लिए जब आपको महाविदेह के लिए करना हो तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन फिर भी महाविदेह में तो बनी रहे साहब। अब इस तरीके से अगर आप देखेंगे कि हाँ जी, जब 100 उत्कृष्ट 170 जो है 160 महाविदेह में हुए, 5 भरत 5 ऐरावत के 10 मिलाकर 170 उत्कृष्ट हुए,
लेकिन दैट इज एक्सेप्शनल केस है, वो कॉमन व्यवस्था नहीं है, सर्वसामान्य व्यवस्था नहीं है कि हमेशा होते, सर्वसामान्य व्यवस्था 20-20-20-20 की है, सर्वसामान्य व्यवस्था, लेकिन वो कभी क्वचित कदाचित ऐसा हो जाए तब एक साथ में इतने लोग एक साथ में तीर्थंकर नाम कर्म बांध लेंगे सब। अब ये भी मेहता जी बहुत बड़ा गहन विषय है, और तीर्थंकर भगवंतों के होते रहने की व्हाट टाइप ऑफ दैट परमानेंसी इज, ख्याल आया कि नहीं? परमानेंसी इज जिसको हम बोलते हैं भाई, शाश्वत व्यवस्था क्या है, परमानेंट व्यवस्था क्या है। अब वो भी कभी आप जो है सोचेंगे, कोई समय निकलेगा तो उसकी सीरीज चलानी पड़ेगी, वो सीरीज भी एक बरस तक चलेगी। चोरडिया जी आप बसिए जरूर, मैं सब बात आपको, लेकिन मैंने आज से 12 बरस पहले 1600 पेज इसके ऊपर लिखे थे, और वो है पुस्तक का नाम तीर्थंकर शाश्वत व्यवस्था, तीर्थंकर भगवंतों के होते रहने की परमानेंट सिस्टम क्या है। इतना अद्भुत विषय है, इतना अद्भुत कि हमारी आंखें खुल जाए। तो उसके आधार पर अगर वो सिस्टम आप समझ लें, तो उसके आधार पर कल हम भी भविष्य में भगवान बन सकते हैं, ये हमको सेटिस्फेक्शन हो जाएगी। हाँ साहब, हमारे लिए भी रास्ता तो खुला है, समझेगा, सर्वथा कोई निषेध तो नहीं है कि नहीं बन सकते, ऐसी बात तो नहीं है, जरूर बन सकते। तो ये एक कभी आपकी जानकारी के लिए दिया है कि ये कभी आपके ध्यान में आ जाए, और ये भी पूरी सिस्टम समझ नहीं हो तो एक अलग से सीरीज चलानी पड़ेगी हमको। तो अभी तो हमारा काल का विषय चल रहा है, काल का गुणाकार करते करते हमको जनरली समझ में नहीं आता है ये 84 लाख पूर्व। अब भाई साहब इतने ज़्यादा वर्षों की जब लंबी अवधि बनती है, लंबा काल जब होता है, तो उसका गुणाकार कैसे करना, गणित कैसे करना, सोचिए इसमें। ये इसलिए प्राचीन काल के अंदर केवलियों के द्वारा दी गई ऐसी संज्ञा, दिस इज द नाउन पर्टिकुलर, कि आप पहले जो है 84 लाख वर्ष बरोबर कितना हुआ, एक पूर्वांग हुआ। अब एक पूर्वांग को बरोबर आप समझिए, और फिर 84 लाख पूर्वांग कर इकट्ठे हो जाएंगे। इसका मतलब क्या हो, एक पूर्वांग से एक पूर्वांग का गुणाकार मल्टीप्लाई करो, एक पूर्व बन जाएगा। अब उस जमाने में, उस काल के अंदर, केवलियों के समय में, उस जमाने का मतलब केवलियों के काल में उन्होंने ये संज्ञा दी है, अब उसी संज्ञा से मापा जाता है। हमारी बुद्धि वहां तक ना पहुंच सके ये बात अलग है, ख्याल आएगा, लेकिन ये गणित तो चल रहा है, गणित तो बरोबर है, संज्ञा दी तो गई है, नहीं तो व्यवहार कैसे करेंगे। हमारे यहाँ भरत ऐरावत में आज जनरली, आज पूरे वर्ल्ड के अंदर ज्यादा से ज्यादा 100-125 बरस का आयुष, ज्यादा से ज्यादा जापान के अंदर इस समय जो है कोई 113 बरस, कोई 117 बरस के आयुष्य वाले मिले। हिंदुस्तान के अंदर भी कुछ जो है ऐसे 115-20 के ऊपर के, 125 या 26 के बरस के आयुष्य वाले मिले। बस तो हमारी गणना तो फिर लाख और पूर्व में तो जाएगी नहीं, लेकिन महाविधि में भी काल की व्यवस्था तो चल रही है ना, ध्यान से समझिए। महाविधि के पांचों महाविधि के क्षेत्रों में भले ही आराओं की व्यवस्था ना हो, लेकिन काल व्यवस्था बरोबर चल रही है, दिन रात की व्यवस्था चल रही है, इसलिए वहां का गणित वहां के हिसाब से चलेगा। हमारे यहाँ पर इतनी बड़ी पूर्वों की व्यवस्था की हमारे यहाँ आज कोई है ही नहीं सर। हाँ, कब थी, जब आदिनाथ भगवान थे तब बरोबर हो रहे थे, तब जनरल आयुष्य इतने बड़े बड़े हो रहे थे। उस समय कोई सबके, कोई मात्र आदिनाथ भगवान के 84 लाख पूर्व का हुआ ऐसा नहीं है, उस समय सबके जनरल होते थे। अब चलिए सोचिए आप कि आदिनाथ भगवान का 84 लाख पूर्व का आयुष्य था, तो आदिनाथ भगवान की माता जी तो बड़ी थी ना,
माँ तो बाप बेटे से बड़ी होती है, तो फिर उनका आयुष्य कितना था? अब था तो 84 लाख पूर्व ही, अब कितना ज्यादा बढ़ाएंगे, 25, 50, 100 बरस उसमें और ज्यादा बढ़ा देंगे तो भी 84 लाख पूर्व ही नहीं। तो जनरल उस समय व्यवहार था। आज महाविद्य में चले जाओ, जनरल जो है 84 लाख पूर्व वाले मिलेंगे, कॉमन रूप से 84 लाख पूर्व मिले। हमारे जैसे 100, 200, 50, 100 बरस वाले महाविधि में होते ही नहीं है। आम बात है, आम जनरल, आप हर किसी को देखने जाइए, हर किसी को देखने जाइए, किसी को भी पूछो तो वो ये नहीं कहे कभी 100, 200। अरे वो बोलता है 100, 200 क्या होता है भाई साहब, ये तो इतनी छोटा सा फिगर, इतना छोटा सा फिगर, ये कैसा है? अब वहां की दुनिया है ना, तो वहां की दुनिया वहां के हिसाब से चल रही है। हमारी दुनिया यहाँ पर आज पूरे पूरे जो है पूरे वर्ल्ड में, जिसको पूरे पूरे विश्व में कह रहे हैं, तो पूरा विश्व शब्द का अर्थ इतना ही लेना है जो हमारे भरत ऐरावत के क्षेत्र में, भरत क्षेत्र में आ रहा है। भरत के सटखंड के क्षेत्रों में जो प्रमाण मिल रहा है वो यहाँ पर 100, 125 साल तक का आज का है, और ये भी कब तक घटता जाएगा, अवसर पीढ़ी काल है इसलिए घटता जाएगा, घटता जाएगा, फिर पांचवें आर्य का अंत आ जाएगा, छठे आर्य में जाएंगे, तो ये कॉमनली 20 बरस ही हो जाएगा सर। अब आप सोच लो, कॉमनली 20 बरस मतलब क्या हुआ? आज जो कॉमन 100, 125 है वो उस समय में पांचवा आर्य समाप्त तो होते ही छठे आर्य के प्रारंभ में कॉमन से 20 बरस हो जाएंगे, तो लाइफ स्पान उनका इतना ही हो जाएगा। 20 बरस में तो उनका जीवन समाप्त तो हो जाएगा। जो आज आपके यहाँ पर 20, 25, 30 साल की उम्र में शादी हो रही है और उस समय 20 साल के अंदर मृत्यु होगी सर, तो आज जो आपकी शादी की उम्र है उस समय में 5, 6 बरस की उम्र में शादी होगी। अब क्या करेंगे आप सब? ये काल है, काल नहीं, ये अवसर पीणी व्यवस्था है। अवसर पीणी का अर्थ है घटता जाए, घटता जाए, घटता जाए, कम होता जाए, कम होता जाए। इसलिए जो अवसर पीढ़ी उस सर पे असेंडिंग डिसेंडिंग की हम जो बात कर रहे हैं वो गणना काल की। अब उसमें भी तो आपको व्यवस्था बैठानी पड़ेगी सर। आराओं की व्यवस्था कैसी होती है उस पर हम आएंगे तब समझेंगे। अभी आपको क्या समझना है, बस इतनी सी व्यवस्था समझनी। अब ये जो है 84 लाख पूर्व, अब इस 84 लाख पूर्व का हिसाब निकालना है सर। अब एक पूर्व अगर आ रहा है, ये एक पूर्व मैंने यहां पर लिखा है, अब इस एक पूर्व के हिसाब से गणित करिए। अब इसका जो है कैलकुलेशन निकालिए साहब। अब ये है कितना आज के आपके फिगर में जो है चोड़िया जी, आप कैलकुलेटर लेकर बैठे हो तो गणित करिए आप। 6,000 करोड़ ईयर्स। अब जो संज्ञा जिस तरह से आपको नाउन देनी है संज्ञा दीजिए। अब ये हो गया जो है सिर्फ अभी की बात, ये किसकी है? एक पूर्व की बात की। अब मेहता जी आप आदिनाथ भगवान का या सिमंदर स्वामी का आयुष्य निकाल के कितने फिगर, कितना कितने जीरो बढ़ाने हैं बोलिए। 1,80,000 पूर्व है, ये हमने एक पूर्व निकाला, एक पूर्व पता है। हाँ तो एक पूर्व है तो 84 लाख से उसका गुणाकार करिए। जी रहे ना सिमंदर स्वामी, जी रहे इस समय, और उन्होंने 84 लाख पूर्व की उम्र में से 1 लाख पूर्व कम मतलब 83 लाख 83 लाख पूर्व की आयु में दीक्षा ली है। हाँ। 1 लाख पूर्व उनका बाकी है और 1 लाख पूर्व में से 1,000 बरस उनके छद्मस्त अवस्था के गए। अब जो है उनको इतने बरस बीतने के बाद अभी और कितने बरसों का आयुष्य बाकी रहा है? अभी तो रोज महाविद्य में विहार कर रहे हैं, विचरण कर रहे हैं, देशना दे रहे हैं, 200 ही तीर्थंकर। अब उनका सबका जो है तो लास्ट 1 लाख पूर्व का काल चल रहा है। अब 1 लाख पूर्व के काल के अंदर उनका जितना बीता है और जितना बीतना बाकी है, अब हमारे यहाँ के काल के हिसाब से हमारे हिसाब से गिनती करें, हम तो भरत क्षेत्र में बैठे, हम तो महाविद्य में नहीं है,
उनका गणित हम हमारी बुद्धि से यहां पर करें तो भागशाली आप समझिए, अभी हमारा पांचवा आरा चल रहा है, ये 21,000 बरस का, फिर वापिस छठा आरा 21,000 बरस का, फिर उस सर्पिणी का पहला आरा फिर 21,000 बरस का, फिर दूसरा आरा फिर 21,000 बरस का, कितने हो गए? 84,000 बरस ये हो गए। अब 84,000 बरस बीतने के बाद फिर वहां का सर्पिणी कालखंड का तीसरा आरा शुरू होगा, फिर पहले भगवान होंगे, दूसरे भगवान होंगे, तीसरे भगवान होंगे, चौथे भगवान होंगे, पांचवें भगवान होंगे, छठे भगवान होंगे, सातवें भगवान होंगे, अब उनका सबका आयुष्य गिनत के आप जोड़ते जाइए साहब, फिर सातवें भगवान उदय स्वामी और आठवें स्वामी पेढ़ल स्वामी के बीच के काल में सिमंदर स्वामी का 84,00,000 पूर्व का आयुष्य पूरा होगा, तब वे निर्वाण पाकर मोक्ष में जाएंगे। अभी यहां हमारी 24 के इस काल में कब से चल रहे हैं? कुंथुनाथ भगवान के काल से। कुंथुनाथ भगवान का 70वां नंबर है। अब कुंथुनाथ भगवान के बाद में जो है वहां उस समय में तो उनका जन्म हुआ था, इधर अवसर्पिणी काल से कुंथुनाथ भगवान के काल से जन्म से लेकर के आगामी 24 के सातवें आठवें तीर्थंकर भगवान के मध्य काल में उनका निर्वाण होगा और मोक्ष में जाएंगे। अब आप गणित करिए, सोच लीजिए कितने कितने लोगों के जन्म बीत जाएंगे हमारे यहाँ के, कितने लाखों करोड़ों लोगों के जन्म बीत जाएंगे तब सिमंदर स्वामी का एक आयुष्य पूरा होगा। तो इतने लंबे काल में सिमंदर स्वामी जगत के कितने अरबों खरबों जीवों पर रोज का उपकार करेंगे? नवीन भाई अबे गणित करो, एक दिवस ना 6,00,000 नहीं देशना, ऐसे 1,00,000 पूर्व तक जो है देशना देते रहेंगे, तो 6,00,000 का 1,00,000 पूर्व से गुणाकार करिए, कितने कितना काल हुआ, इतने काल तक तो देशना देते रहेंगे। अब आयुष्य तो कहाँ निकालो आप खाली उनकी देशना के गणित तो बैठाइए कि कितने वर्षों तक देशना देंगे। कितना अगाध जैन दर्शन में ज्ञान है, कितना अगाध है। आप जरा नवीन भाई पहले ये सोचिए, दुनिया के कहीं पर भी चले जाइए, किसके पास इतना गणित है? है कहाँ किसके पास गणित? जहां केवल ज्ञानी हो वहां संभावना है, बाकी नहीं। अब क्या है, हमारा दुर्भाग्य ये है कि 90% भले हम जैन है लेकिन शास्त्रों का अध्ययन तो करते ही नहीं है। हम तो जैन माँ बाप के घर में पैदा हो गए, इसमें जैन शब्द लगाकर हम तो संतुष्ट हो गए, राजी हो गए, वाह भाई वाह, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। अब ये सब जब सीखेंगे समझेंगे तब आपको होगा कि अरे 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 ऐसा भी होता है, अरे ऐसा भी होता है। अब ये सब कब समझ में आएगा, ये कैसे सीखेंगे? लेकिन है, गणित है, आपसे गणित हो सकता है नहीं हो सकता है वो छोड़िए, लेकिन समझने की तो कोशिश करनी पड़ेगी। ये संज्ञाएं तो बार बार आएगी ना, अभी तो ये संज्ञाएं और आगे बढ़ेगी, अब इसके बाद हमको चलना है, ये तो शुरुआत हुई है यहाँ पर। अब ऐसे जो है 84 पूर्व अगर हम देखेंगे तो ये जब हम गणित करते जाएंगे तो पहले वापिस वहां से उठाइए, फिर आप करिए संजय के नहीं। अब आपको क्या करना है, जैसे एक पूर्व की संख्या, अब ये हो गया 84 पूर्व, अब इसको हमें अलग अलग संज्ञा दे करके समझाया गया है, तो इसको आप कर देंगे कि एक त्रुटि तांग, दिस इज द स्पेशल नाउन, एक ऐसी ऐसी संज्ञाएं दी गई है समझे। अब ऐसा जो है अगर आप करेंगे कि भाई ये त्रुटि तांग दिया है, अब ऐसे जो है ये त्रुटि तांग ये बार बार ध्यान रखा, अंग शब्द आएगा वो छोटा
और पूर्व हो रहा तो बिना अंग का शब्द आएगा तब वो पूरा होगा। अब ये बरोबर चले गए, एक त्रुटि तो, और ये कैलकुलेशन बहुत धीरे 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 कैसे गुणाकार करते जाना है करते जाना है, ये गणित चलेगा साथ, ख्याल आएगा। अब आप सोचिए भक्शाली भाई कि आज आज कंप्यूटर है, आज लोगों के पास कैलकुलेटर है, उस समय में क्या था, क्या था सोचिए, और कैसे शास्त्रों के अंदर इतनी सारी संज्ञाएं दे करके, ताकि आपको बिल्कुल ये हवा में उड़ती हुई हाइपोथेटिकल नहीं लगना चाहिए, क्या वास्तविकता है, कैसे गणित बैठता है, और किस हिसाब से जब हम बोलेंगे ना संख्यात वर्ष असंख्यात वर्ष, अब असंख्य की संख्या कहाँ तक आएगी, कहाँ तक आएगी, फिर कैसे पल्ल्योपम आएगा, कैसे सागरोपम आएगा। अब देवलोक के अंदर देवताओं का आयुष्य सागरोपमों में चल रहा है, नरक के अंदर नारकी जीवों का सागरोपमों में चल रहा है। अभी हम लोग कर्म शास्त्र पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, तो आपने 70 कुड़ा कुड़ी सागरोपम, 30 कुड़ा कुड़ी सागरोपम, अब ये सारी संख्या के आंकड़े तो सुन लिए, फिर लोगों को क्या होता है कि नहीं नहीं ये तो महाराज लोग गप्पे लगाते हैं, ये तो सब महाराज लोग गप्पे लगाते हैं। जब यहाँ हमारी बुद्धि नहीं पहुंच पाती है, लेकिन उस काल के अंदर हजारों लाखों वर्षों पहले जब इतना गणित किया गया है, इस प्रकार का गणित किया गया है, तो कितनी बड़ी बात है सोचिए। हम ये निकालेंगे, अब थोड़ा धैर्य रखेंगे और थोड़ा धैर्य रख करके धीरे 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 हम एक 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 जो है गणित निकला लेंगे, तो बरोबर हम धीरज से वहाँ तक पहुँच पाएंगे। असंख्य किसको कहते हैं, असंख्य की संख्या कैसे आएगी, ये सारा गणित हम निकालेंगे।